हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन की। पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लास 9th और 10th को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं और आई होप कि इससे आपको भी हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहां पर फाइल पे चलते हैं। पाइथन की आइडियली मैंने ओपन की है, इसे हम पाइथन की शेल कहते हैं। और यहाँ पर फाइल पे जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन भी आप प्रेस कर देंगे तो भी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें और ये फाइल सपोज कीजिए इसमें हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ इंट, यानी इंटीजर टाइप का जो भी हम लेंगे, जो भी यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, यानी कि 4, 5, 6 ऐसे एंटर करेंगे, पॉइंट वाइज कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इंट लिखा और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट करवाने के लिए। तो ये लिखा मैंने इनपुट और यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा या डबल डॉट कॉमा में एंटर नंबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हमें जो यूजर नंबर एंटर करेगा, अब ये नंबर कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा। तो हमें ये पता करना है कि जो यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर है वो क्या इवन है या ऑड है, और वो हमें ऐसे नहीं पता करना, हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना है। ध्यान दीजिएगा किसका यूज करना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का। तो चलिए ये यूज करते हैं। अब मॉड्यूलस से होगा क्या, कल जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से आप रिमाइंडर पता कर सकते हैं, रिमाइंडर, ठीक है, यानी डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो वो हम पता कर सकते हैं और इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या करना है आपको, ये तो यूजर द्वारा इनपुट हो जाएगा, नंबर यूजर इनपुट करेगा। अब आपको यहां पर यह पता लगाना है कि कैसे इवन और ऑड को हम जज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक रेम नाम से REM रिमाइंडर, रेम नाम से एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूं और यहां पर हमने ए बनाया है तो ए को मॉड्यूलस करवा रहा हूं। देखिए ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है, इसको 2 से मैं मॉड्यूलस करवाऊंगा और रेम में स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। और यहां पे कहूंगा इफ, अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर हम लिख देंगे प्रिंट और प्रिंट करवा देंगे वो वैल्यू। अगर 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचे तो इसका मतलब है कि इवन है, तो सीधे सीधे इवन लिख देता हूं मैं, ठीक है, द नंबर इज इवन, इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं, मैं केवल इवन लिख देता हूं, तो ये इवन हो गया। अब दूसरी जो कंडीशन बनती है वो else की बनती है, तो यहां पर मैं करने वाला हूं else और if के बाद ये कोलन जरूर लगाइएगा, अदरवाइज आप परेशानी में पड़ सकते हैं, शायद आपका आंसर ना आए, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने प्रिंट और यहां पे दे देता हूं ऑड कुछ इस तरीके से, और ऑड दे देने के बाद यहां से इसको कर लेता हूं सेव। हालांकि ram.py के नाम से हमने सेव भी किया है, लेकिन फिर से इसको एक बार और सेव कर देता हूं ताकि ये पूरा ही प्रोग्राम सेव हो जाए। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर, तो जैसे ही कोई भी नंबर हम एंटर करते हैं, लाइक 77 एंटर किया, तो आप सभी जानते हैं कि 77 एक ऑड नंबर है, तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो ये बताता है कि ये एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है, क्या है, ऑड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूं, F5 प्रेस करता हूं, ये प्रोग्राम चल जाएगा, और फिर यहां पर एंटर करता हूं 4, तो 4 क्या है, इवन है, तो ये इवन नंबर ही दे रहा है, ठीक है। चलिए हम ट्राई करते हैं 1 को, 1 के लिए देखा जाए क्या होता है। तो यहां पर लिखा मैंने 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं फिर इस तरीके से फिर इसको रन करवाता हूं और यहां पे कुछ और देता हूं, लाइक 99 देता हूं, तो 99 ऑड है। तो कोई भी नंबर आप देंगे तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया पाइथन में जिसकी मदद से आप इवन और ऑड पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर, ओके।